हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो काफ़ी ठंड हो गया है चंडीगढ़ में, एंड दिस लास्ट डे ऑफ 19, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। तो अब स्टार्ट करें आज का वीडियो। आज का वीडियो है बेसिकली सेट टॉप बॉक्स से लेके। कुछ क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं कि सेट टॉप बॉक्स में क्या होगा, क्या सर्विसेज मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही, और कुछ काफ़ी क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहला वीडियो बनाया था जब ये आया था। तो किसी ने अनबॉक्सिंग वगैरह और फुल डेमो नहीं देखा है इसका, कि कैसे चलता है, क्या क्या आ रहा है, किस तरह से है डिस्प्ले, और टीवी के साथ फुल डेमो वाला वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर कार्ड्स में दे रखा है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं क्लिक करके। इस वीडियो में बेसिकली मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि इससे रिलेटेड क्वेरीज आई थी, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप लेने वाले हैं सेट टॉप बॉक्स तो आपको भी वीडियो देखना चाहिए पूरा, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके मन में होंगे, तो वो इससे सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो से। और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बताते हैं ड्रोन सेलेक्ट सर इन्फॉर्मेशन और टेक सेलेक्ट सर इन्फॉर्मेशन, टेक वो जो मैं यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जियो सेट टॉप बॉक्स। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो सेट टॉप बॉक्स है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई डिश टीवी, कोई डिश एंटीना, कोई डायरेक्ट टू होम सर्विस नहीं है। जो वो चैनल्स आने हैं सब इंटरनेट के थ्रू आने हैं, और जब इंटरनेट के थ्रू चैनल्स आएंगे जो आपका प्लान है उसमें से इंटरनेट फूकेगा। तो ये कईयों के मन में क्वेश्चन था कि हमारा इंटरनेट जो हम लगा रहे हैं क्योंकि उसका फ्री मिल रहा है तो वो इंटरनेट यूज़ होगा। तो उसका आंसर है यस। जो आपका प्लान है, अगर 400 GB आपको डाटा मिल रहा है तो उसमें अगर आप टीवी चलाते हैं तो जितना टीवी ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्लान, कौन सा प्लान आप लेते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान है गोल्ड प्लान, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और वैसे भी क्योंकि इस प्लान में मेरे पास भी यही प्लान है। आपको 250 MBPS की स्पीड मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है, 4K वीडियो तक देख सकते हैं बिना किसी लैग के, जितने मर्जी इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हों। नंबर टू, इसमें अपलोड स्पीड भी आपको 1/10 करें तो 25 MBPS की मिल जाती है, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट स्टिल वो चलता है, उससे हम काम चला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड प्लान बेस्ट है, पर अगर आपकी यूसेज या आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं तो आप सिल्वर वाले प्लान में जा सकते हैं, लेकिन सिल्वर से नीचे मत जाएं। तो पहला पॉइंट कवर हो गया कि यस, आपका इंटरनेट यूज़ होगा। अब कैसे, कितना यूज़ होगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंटेंट, क्योंकि टीवी देखेंगे टीवी मिनिमम 32 इंच का होगा तो इंटरनेट तो दबा के यूज़ होने वाला है, क्योंकि आजकल सारा कंटेंट मोस्टली फुल HD आता है। और अगर आपका 4K TV है तो कहीं पर अगर 4K, जैसे यूट्यूब पे अगर आप चला रहे हैं, यूट्यूब की डिवाइस ऐप भी उसमें चल सकती है, तो यूट्यूब पे अगर आप 4K यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो यस, डाटा तो कंज्यूम होगा ही, और मोबाइल के मुकाबले ज़्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि बड़ी स्क्रीन है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका मेन मेन पॉइंट कवर हो गया कि इसमें कोई डिश टीवी नहीं है। चैनल्स कैसे आएंगे? चैनल्स इसमें आएंगे OTT सर्विसेज, इन्होंने कुछ दे रखी हैं। वो OTT सर्विसेज में नेटफ्लिक्स नहीं है, और एक आदि जो और पेड जैसे प्राइम, अमेज़न प्राइम सर्विस, वो भी नहीं है। सिर्फ जियो का अपना जो जियो सिनेमा है वो मिल रहा है आपको, उसके अलावा हॉटस्टार आपको मिल रहा है, उसके अलावा वूट आपको मिल रहा है, और जियो की कुछ और ऐप्स मिल रही हैं जैसे वीडियो कॉलिंग की ऐप, बट वो अभी शुरू नहीं हुई है वीडियो कॉलिंग, क्योंकि अभी कैमरा अवेलेबल नहीं है जो टीवी के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया, पेड वाली जो आती है ना, जैसे बहुत मशहूर है अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा और भी कोई पॉपुलर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो फिलहाल ये वाली जो पेड OTT सर्विस है यह उसमें आपको इस प्लान में नहीं मिलेंगी, ये आपको चलानी है तो इसके लिए अलग से आपको अपना प्लान, मतलब एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो आपको पहले क्लियर कर दिया जाए कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम वीडियो इस पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इनके ऑलरेडी मेंबर हैं तो ये आपका टीवी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसमें चला के देख सकते हैं, लेकिन इस जियो के प्लान में, सेट टॉप बॉक्स के प्लान में आपको ये नहीं मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, कई लोग पूछ रहे थे कि HDMI केबल जो इसके बाद आती है, अगर हमारे मतलब टीवी पुराना टाइप का है जिसमें HDMI सपोर्ट नहीं होता तो उसमें सेट टॉप बॉक्स लग सकता है। तो उसका आंसर है यस, क्योंकि इसमें एक एक्सेसरी मिल जाती है ऑडियो वीडियो पोर्ट वाली, वो इसके चौथा जो पोर्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी डायग्राम में, तो वहाँ पर आप वो ऑडियो वीडियो वाला लगा सकते हैं जैक, और आप फिर आप अपने ऑडियो वीडियो पे जाकर सिंपल टीवी पे भी देख सकते हैं विदाउट HDMI।
ये लोग कम ही होंगे जिनके पास HDMI वाला, क्योंकि आज के डेट में सबके पास LCD या LED TVs हैं, तो उसमें HDMI पोर्ट तो होता ही है। अगर फिर भी नहीं है तो आपके ऊपर ये मतलब सिंपल टीवी जो पहले आते थे उन पर भी ये चल जाएगा, नो डाउट। सिर्फ आपको एक वायर एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, ऑडियो वीडियो वाला जो जैक आता है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके साथ नहीं मिल रहा है। तो आपको दिखा देता हूँ वो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें चार पोर्ट हैं। पहला पोर्ट है USB पोर्ट। ये किस लिए बनाया गया है? USB पोर्ट का यूज़ है, एक तो आप इसमें आप अपनी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं या कोई पेन ड्राइव ला सकते हैं एज ए स्टोरेज डिवाइस। तो उससे होगा क्या, इससे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हैं। और मोबाइल डिवाइस में जैसे कोई फ़ोटो है आपकी, सिंपल बता रहा हूँ, 100 फोटो हैं, वो आपने USB इसमें लगा दी और वो इसके अंदर डाल दी थ्रू वाईफाई कनेक्शन। अब होगा क्या, वो फ़ोटोज़ आप अपने टीवी पे देख सकेंगे बड़ी स्क्रीन पे, जो कि इस जो भी इसमें चीज़ें होंगी, वीडियोस, फोटोज़, अगर आप बड़ी स्क्रीन पे अपने टीवी में देखना चाहते हैं तो इस कनेक्शन के थ्रू आप देख पाएंगे। करना क्या, आपको पेन ड्राइव इसमें लगानी है और थ्रू वाईफाई इसमें वो कंटेंट डाल देना है। तो एक यूज़ इस USB का ये है। दूसरा यूज़ इसमें यह है कि जब इसमें वीडियो कॉलिंग शुरू होगी तो यहाँ पर USB कैमरा लग सकता है, तो USB कैमरा लगाकर आप टीवी कॉलिंग कर सकते हैं किसी भी जियो फ़ोन पे जिसमें जियो ऐप हो। तो ये हो गए USB के यूज़। दूसरा है इसका एथरनेट पोर्ट, ये लैन वायर के लिए है। अगर आपने वायर्ड कनेक्शन करना है, ये देखिए ये वायर्ड तार इसका मिलती है, अगर आपने वाईफाई नहीं, बाय वाईफाई से इंटरनेट को कनेक्ट नहीं करना, थ्रू लैन वायर कनेक्ट करना, तो उसके लिए ये पोर्ट बना हुआ है। बाकी इसमें वाईफाई अडेप्टर भी है, तो मेरा ये खाली है क्योंकि मैं वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। तीसरा है इसका HDMI पोर्ट, जो एक्चुअली आपके टीवी में जाएगा। चौथा है इसका SPDIF पोर्ट, ये जो मैं बता रहा हूँ एसेसरी पोर्ट फोर्थ वाला। इसमें आप अपना होम थिएटर भी लगा सकते हैं अच्छी साउंड के लिए, और अगर आपके पास HDMI वाला टीवी नहीं है तो यहाँ पर वो ऑडियो वीडियो जैक लग जाएगा, जिसकी मदद से आप सिंपल टीवी पे भी जियो सेटअप बॉक्स को लगा पाएंगे। तो बस सिंपल सा पोर्ट है, सिंपल सा कनेक्शन है। और रिमोट का यहाँ तो क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें स्मार्ट रिमोट है जो कि आपके वॉइस को कमांड्स को भी फॉलो करता है, और इसके अंदर आपको मिलता है HDMI केबल, एथरनेट केबल और एडाप्टर और एक मैनुअल और रिमोट, बॉक्स में ये मिलता है। और ये है वो ऑप्शनल चीज़ें, जैसे ये कैमरा हो गया वीडियो कॉलिंग के लिए, कोई भी गेमिंग करने के लिए रिमोट कनेक्ट कर सकते हैं, और ये है वो केबल, ध्यान से देख लीजिए, ऑडियो वीडियो केबल, जिसकी मदद से आप सिंपल टीवी पे भी ये वाला सेटअप बॉक्स को लगा सकते हैं। तो दैट्स इट, दिस इज जियो विद लव फ्रॉम जियो, दैट्स इट। तो हो, मैंने आप सबके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। फिर भी आपका कोई क्वेरी है जियो सेटअप बॉक्स को लेके तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी कई लोग कह रहे थे कि हम इससे अच्छे तो 700 रुपये का यहाँ पंजाब में चलता है जियो, अपना बादल साहब का नाम नहीं आता ना मुझे, FTTS ऐसे कुछ है, वो DTS सर्विस है, डायरेक्ट केबल सर्विस है, तो वो लगवा लें, उसमें काफ़ी चैनल आते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, वो आपको मिल रही है थ्रू इंटरनेट के साथ फ्री, तो उसके साथ कोई इसमें वो नहीं है ना, आपको इंटरनेट के पैसे भरने हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं, OTT डिवाइसेस देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ये अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और भी कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आप पे रेडिकेट वीडियो उस पर बना दूंगा। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए कि आप जियो सेटअप बॉक्स लगवाना चाहेंगे या नहीं, और अगर आपके पास है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, ज़्यादा मैं टीवी देखता नहीं, बट स्टिल अगर आपको बड़े टीवी पे मतलब एक टीवी को स्मार्ट टीवी बनाना है और एक्सेस करना है, तो इट्स अ गुड थिंग विदाउट एनी एडिशनल चार्ज, तो वो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, फाइन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू।